सोनी ZV-E10 जिनको वो ड्रामेटिक ऐसे हाँ, तो SNQ मोड, SNQ अलग चीज है, नॉर्मल वीडियो मोड नहीं है वो। क्या लाइट आ रही है यार, शाम भी कोई जैसे है नदी। अच्छा मैंने तुम्हारे एक सरप्राइज छोड़ा है एंड में, वो देख लेना ठीक है। जो लोग मेरे को पूछ रहे मैं कहाँ रह रहा हूँ, यहाँ रह रहा हूँ। अगर आप आ रहे हो तो सुबह 9 से 9:30 के बीच में आना, तो मैं मिल पाऊँगा, मतलब थोड़ा सा टाइम दे पाऊँगा मैं, 5-10 मिनट, क्योंकि फिर मेरे को सेट पे जाना होता है। क्या राम राम आंटी, राम राम, क्या हो गया, तबीयत खराब है आपका? नहीं है सर, ठीक है सर, ठीक है। हाँ एकदम ऐसा ठंडा, पब्लिक देखता है आपको, पब्लिक भी हेलो बोलता है। आज यहाँ पर शूट पर हूँ और यहाँ पर आज कुछ खास मेरे को टाइम नहीं मिल रहा दूसरा कुछ करने का, तो मैंने ये सोचा कि अपने पास एक दूसरे कैमरे का एक्सेस है। कौन सा था वो? सोनी ZV-E10। सोनी ZV-E10। सोनी ZV-E10 इस कैमरा, दिस इज़ अ न्यू ब्लॉगिंग कैमरा इन द मार्केट। नहीं है ये ना, ये लेटेस्ट लॉन्च है ना, 4 दिन पहले लॉन्च हुआ। ये चंदन भाई का कैमरा है। हेलो, सब्सक्राइब किया नहीं किया तुमने? किया, कोई नहीं, कर लेंगे आज, कर लेंगे आज, कर लेंगे। तो ये कैमरा है अभी, ही इज़ काइंड इनफ टू लेंड मी दिस कैमरा टू टेस्ट। और ये अभी बहुत मैं रिस्की जगह पे हूँ मैं तो अपन अभी ये कैमरा टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इसकी व्लॉगिंग कैपेबिलिटीज़ क्या है। तेरा तो हो गया ना टेस्ट करके? इसको चल ही रहा है अभी भाई, हाथ ही नहीं सेट हुआ इस पर, सोनी है। मैं पूरी कोशिश करूँगा एकदम ओरिजिनल ऑथेंटिक आपको इसका रिव्यू, को हिंदी में क्या बोलेंगे, रिव्यू ही बोलते हैं भाई, इतनी नहीं पता किसी को प्रॉपर रिव्यू। अभी ये सोनी का कैमरा मैंने अपने गोरिल्ला पॉड पे डाला है और मैं चलते चलते आपसे बात कर रहा हूँ। दिस इज़ टेक 2, बिकॉज इसके पहले जब मैं बात कर रहा था तो मैंने इसको 60 फ्रेम्स पर रखा था और इसका माइक एक्टिवेट नहीं था, तो मैं अंदर जाके देखा तो मैं अपनी बात भी अपनी ऐसी स्लोमो में कर रहा हूँ, पता नहीं वो ये सेटिंग कैनन में नहीं है। कैनन में आप 60 फ्रेम्स पर रख के भी आप बात करते हो तो आवाज़ आती है। मैंने इस कैमरा से थोड़ा बीरोल शूट किया है, आप पहले ही बीरोल देखो। इसका जो समझ में आ रहा है मेरे को वो ओवरऑल इसका इमेज बहुत क्रिस्प है। इसका कलर अभी भी मेरे को समझ में नहीं आया कि इसका कलर इतना वार्म क्यों दिखा रहा है, बिकॉज आई एम वेयरिंग अ ब्राइट ऑरेंज टी शर्ट, जे इसमें थोड़ा सा सीपीआर टोन आ गया है। इसका फोकस शिफ्टिंग बहुत क्लास है, फोकस फास्ट, लाइक प्रीटी फास्ट, फोकस इज प्रीटी फास्ट। तो इफ आई एम रनिंग तो स्टेबिलिटी कितना है आप बताओ देख के, हाउ स्टेबल इज दिस। थोड़ा सा ऊपर क्लाउडी स्काई है बट फिर भी गुड डे लाइट। इसने मेरे आँख पे एक फोकस पकड़ के रखा है, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, आँख एक छोड़ ही नहीं रहा हो, कितना भी मर्जी मैं यहाँ लेफ्ट राइट हो जाऊँ आँख पकड़ी है उसने। माइक इसका इंटरनल माइक है, उसके ऊपर सिर्फ थोड़ा सा डेड कैट लगा हुआ है, बट इंटरनल माइक है तो साउंड कैसा आ रहा है वहाँ बताओ। वैसे ये जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ पे काफ़ी शांत है, एक टोक पीट की आवाज़ आ रही है बस, बाकी पूरा शांत है। तो आई थिंक साउंड शुड बी क्रिस्टल क्लियर बिकॉज माई वॉइस इज ऑल्सो हैवी। ओके फाइनली इसका ऑटो वाइट बैलेंस सेट हो गया। इसके मेन्यूज में थोड़ा घुसना पड़ता है तब जाके मिलता है। ओके द ग्रीन इज ग्रीन नाउ, टी शर्ट इज ऑरेंज, जीन्स इज ब्लू, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। और इतने में मतलब ठीक, इट्स नाइस। बाकी आप इसका स्टेबलाइजेशन कैसा था वो बताओ, बीरो कैसा लगा? बीरो इज नाइस राइट, 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पर बीरो शूट किया है एंड हैंडल्ड है, बट जो सोनी की जो क्वालिटी है कि एकदम क्रिस्प बीरोज देता है ना, जो जस्ट लाइक दैट। द बेस्ट पार्ट इज इसके इस पर जो लेंस लगा है, द लेंस ऑन दिस कैमरा इज 16x50। ये आप 16 पे देख रहे हो इतना वाइड है, 50 जिनको वो ड्रामेटिक ऐसे क्या है वो, जिनको ड्रामेटिक करने का ऐसा शौक है, जो जूम करते हैं बात करने के लिए, उनके लिए ये लेंस अच्छा है। और प्लस लॉन्ग शॉट्स के लिए मेरे कैनन पे लेंस है 1018, तो मैं 10 से 18 जा सकता हूँ, मैं ज़्यादा जूम नहीं कर पाता। ये 1650 है, तो मतलब अगर आप अभी यहाँ पे खड़े हो और आपको उस पेड़ का शॉट लेना है, पेड़ का तो जूम कर लिया, पीछे आ गया वाइट जूम, इतना फ़र्क है। बाकी अभी बाहर का जो टेस्टिंग हो गया, बीरोल हो गया, आवाज़ बाहर का हो गया, जूम हो गया, स्टेबलाइजेशन हो गया, अभी और क्या है, अभी लो लाइट
जिसके लिए सोनी मशहूर है, फ्लोराइड देखते भी। इतनी छोटी छोटी चीजें भी अगर पूछना पड़ रहा है, मतलब सोचो कितना कैनन से कितना आदत हो चुकी है। अभी मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ, लाइट से अंधेरा हो रहा है और अंधेरे में भाई साहब इसका लो लाइट तो बहुत ही प्यारा है यार। पूरे अंधेरे में जाता हूँ मैं एक बार, किचन में फुल अंधेरा है। अरे भाई पूरे किचन में अंधेरा है, ठीक है, इसमें भी इसने लाइट ले लिया है। दिस इज इम्प्रेसिव, द एंटायर किचन देयर इज नो लाइट, द ओनली लाइट सोर्स इज दिस स्मॉल विंडो, जिसमें से ज़्यादा लाइट नहीं आ रही, जाली लगी इसके ऊपर। ये अगर यहाँ ले लूँ तो ये ऐसा है, और ये अगर मैं अगेंस्ट लाइट ले लूँ, अगेंस्ट लाइट लेके भी ये इतना एक्सपोज करके इतना क्लियर दे रहा है, फोकस नहीं छोड़ रहा है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। अभी इसका ना ऑटो बेसिक सेटिंग पे करके रखा है, तो अभी ये कलर्स वगैरह परफेक्ट ले रहा है, इसका लो लाइट परफॉर्मेंस, आई एम वेरी इंप्रेस्ड यार। और इसका साउंड क्वालिटी मैंने सुन के देखा कि मेरी आवाज़ एकदम इतनी क्लियर आ रही है, पता नहीं कैसे। ओवरऑल आई लाइक द कैमरा, हैंड्स ऑन आई लाइक इट। इसका इंटरफेस थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली हो सकता है, इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड समझने के लिए, अगर कोई नया बंदा सीखने जा रहा है, कोई नया बंदा लेगा तो उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चला जाएगा। इसका डेप्थ ऑफ फील्ड भी काफ़ी है यार, अच्छा गुड डेप्थ ऑफ फील्ड। बहुत ही सही भाई, बहुत ही सही, ब्रिलियंट, थैंक यू। मौसम ऐसा चेंज हो गया है, फुल बारिश बादल। इसके पहले तुमने टाइम लैप्स देखा कैसा लगा बताओ? टाइम लैप्स में बादल देखे ना, वही फटा है अभी। अब तक ये कैमरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये लो लाइट में। अभी लाइट सिर्फ एक लाइट है, एक लाइट है यहाँ पर, उस लाइट में मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अभी लाइट देखो, तुम जज कर लो कैसी आ रही है। अब तक स्क्रीन पीछे था, अभी स्क्रीन देख रहा हूँ मैं, भाई क्या लाइट आ रही है यार, वाओ। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है, कहीं ना जिस लैपटॉप पे पूरी फुटेज लाइनअप करके एडिट करके देख रहा हूँ मैं बड़े स्क्रीन पे,
ऑनेस्टली लाइक चश्मे का रिफ्लेक्शन आ रहा है, सॉरी. ऑनेस्टली द क्वालिटी ऑफ द कैमरा इज वेरी नाइस, द क्वालिटी ऑफ द फुटेज इज वेरी नाइस. एक अलग तरह का क्रिस्पनेस है, क्रिस्प और शार्प है उसकी इमेजेस. ये मेरे M50 में और वो कैमरे में फुटेज वाइज ज़्यादा इतना डिफरेंस मेरे को पता नहीं चला, बट हाँ व्हेन इट कम्स टू लो लाइट दिस कैमरा विंस हैंड्स डाउन. इफ यू रियलाइज दिस वीडियो इज नॉट अ लॉट, ज़्यादा टेक्निकल वीडियो नहीं है ये, बहुत ही लेमैन, मतलब जो एक ऑर्डिनरी इंसान एक कैमरा खरीद के व्लॉग करने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, उस लाइन पे है ये वीडियो. लेमैन को एक समझ में है, उस भाषा में है वो सारी चीज़ें मैंने बताई है इसमें. इसमें अगर आप मेन्यू में जाओगे तो बतेरे ऑप्शंस हैं, आप परेशान हो जाओगे इतने ऑप्शन, मतलब 120 फ्रेम्स पर सेकंड तक भी है इसके ऑप्शंस. मैंने 60 फ्रेम्स का इसका स्लोमो शूट किया, 60 फ्रेम्स ऐसा लग रहा है 120 फ्रेम शूट किया, इतना प्यारा इतना स्लो. मैंने कुछ स्लो नहीं किया है, मैंने फुटेज उठाई वहाँ पर सीधा डाल दिया, मैंने एक्स्ट्रा कुछ स्लो नहीं किया और वो आप रॉ फुटेज देख रहे हो जो स्लो हुआ है. अगेन वेरी नाइस लो लाइट, वेरी नाइस साउंड. माइक अगर हो तो ज़्यादा बेटर है ऑफकोर्स, क्योंकि आपने बारिश में वो गाना सुन लिया और बारिश के बाद अंदर गाना सुन लिया तो यू सी द डिफरेंस. बारिश हो रही थी तो एम्बियंट नॉइज़ उसका बहुत ज़्यादा था, अंदर कम था, सो दैट इज़ टेस्टेड. फ्रॉम दैट या मैन आई फील 61,000 फॉर द कैमरा इज़ नॉट अ बैड डील बिकॉज ऑफ 120 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड ऑल दोज अदर ऑप्शंस, द कलर प्रोफाइल्स एंड एवरीथिंग. इफ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू कैमरा एंड सोनी इज़ समथिंग दैट फ्लोट्स योर बोट, तो अगर आप सोनी के चाहने वाले हैं, अगर आप सोनी में घुसना चाहते हैं तो दिस कैन बी अ नाइस एंट्री लेवल कैमरा. बाकी पैसे आपकी मर्जी आपकी. बाकी आप ये कैमरा तो देख ही रहे हो, कैनन M50 जादू कर रहा है अभी. तो इसी के साथ द वीडियो कम्स टू एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड, मेक श्योर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब. कैसी लगी ये वीडियो बताना जरा कमेंट करके, एंड अंटिल देन टेक इट ईजी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी सेफ, बाय. Like a firefly.